असलकम दिस इज़ माई कुल आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है अभी से इस्टार्ट कर दें बिकॉज अगर अभी से इस्टार्ट नहीं की तो आपके पास फिर कोई टाइम नहीं बचेगा सो टूडे द टॉपिक ऑफ़ माई वीडियो इज़ हाउ टू डू फिजिक्स कैल्कुलेशन विदाउट कैलकुलेटर तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और साथ साथ जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊँ उन्हें अपने पास नोट कर लीजिएगा और प्लीज़ एट द एंड ऑफ द वीडियो आपने मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना है कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल प्रूफ हुई या नहीं तो टिप नंबर में देखा जाए तो आपको सिंपल कैलकुलेशन आनी चाहिए लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आपको इनके रूल्स पता होने चाहिए चीज़ों को एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड करना आना चाहिए ये तो बेसिक बिल्कुल बेसिक लेवल पर पढ़ाया जाता है हमारी जो क्लासेस होती हैं उनमें अब मल्टीप्लीकेशन uh, की बात की जाए तो आपको टेबल्स एटलीस्ट uh, आपको टू टू फिफ्टीन टेबल्स याद होने चाहिए अगर इतने नहीं होते तो टू 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 तो लाजमी आपको टेबल्स याद होने चाहिए इतना तो बस अगर ये नहीं किया तो फिर तो काम ख़राब हो जाएगा टिप नंबर टू में आपको स्क्वायर की वैल्यूज़ आनी चाहिए आपके पास तकरीबन टू से लेकर ट्वेंटी फाइव तक की स्क्वायर की वैल्यूज तो आपको याद होनी चाहिए जैसे टू की होती है फोर थ्री की होती है नाइन फोर सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव थर्टी सिक्स फोर्टी नाइन सिक्सटी फोर एटी वन सिक्सटी 81, इसकी होती, होती है हंड्रेड वन ट्वेंटी वन वन फोर वन सिक्सटी नाइन वन सिक्स और फिफ्टीन की होती है टू ट्वेंटी फाइव टू फिफ्टी सिक्स और इसकी आ जाएगी सिक्स ट्वेंटी फाइव ये कुछ स्क्वायर की वैल्यूज़ हैं टिप नंबर टू में आपको इन स्क्वायर की वैल्यूज़ को याद रखना है ये कुछ स्क्वायर की वैल्यूज़ तो आपको पक्की मुँह जबानी याद होनी चाहिए इसके अलावा कुछ और भी स्क्वायर की वैल्यूज़ होती हैं वो याद नहीं करनी होती उनकी टेक्निक्स आपको आनी चाहिए कि उन्हें किस तरीके से निकाला जा सकता है स्क्वायर निकालने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं Uh, वैसे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि जो स्क्वायर आए लाइक कोई भी स्क्वायर की वैल्यू है आप उसे फ़ौरन जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल नाइन्टी सेवन है इसका स्क्वायर निकालना है आपने तो आप इसका ना अगर आपको एट द एंड आपको अगर कुछ याद नहीं रहता कि कोई इसका मैथड आपके दिमाग में नहीं रहता तो सिंपल आप नाइन्टी सेवन को नाइन्टी सेवन से मल्टीप्लाई कर दें सिंपल क्या करें ये नाइन्टी सेवन को नाइन्टी सेवन से मल्टीप्लाई कर दें ये थोड़ा लॉन्ग मैथड हो जाएगा अगर इसके ऑल्टनेट में एक मैथड बताऊँ अगर वो आप करते हैं तो उससे थोड़ा सा जल्दी हो सकते हैं क्योंकि एमडी गेट में ना टाइम का बहुत बड़ा मसला होता है इशू होता है कि टाइम को मैनेज करके हमें कैलकुलेशन और सब कुछ करना पड़ता है तो इसका एक मैथड है मेरे पास वो सेवन है, है आप इधर देखें ये अभी तो आपको दिखने में थोड़ा मुश्किल और बड़ा प्रोसेस लगेगा लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो प्रैक्टिस कर कर करके आपको ये आसान लगेगा और आप इन अ सेकेंड्स आप जल्दी से किसी भी वैल्यू का स्क्वायर निकाल सकेंगे तो अब देखें ये ये है नाइन्टी सेवन आप सबसे पहले टेक्निक को आराम से तहमुल से समझें ये है नाइन और ये है सेवन इस नाइन का मैं सबसे पहले ले लूँगी स्क्वायर जो कि होता है एटी वन इस सेवन का मैं ले लूँगी स्क्वायर जो कि होता है फोर्टी नाइन अब ये जो दोनों नंबर्स हैं मैं नाइन और सेवन को आपस में मल्टीप्लाई करूंगी और मल्टीप्लाई करने के बाद मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँगी टू से तो नाइन सेवन आर होते हैं सिक्सटी थ्री और सिक्सटी थ्री को जब मैं टू से मल्टीप्लाई करूँगी मैं ये कह रही हूँ टू मल्टीप्लाई बय नाइन मल्टीप्लाई बाय सेवन ठीक है 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 तो 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 और 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 को को मैं से को मैं से से तो जब तो इसका आंसर आ रहा है, त्वन 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 और ये ये करना है। अभी तो मैं समझाने के लिए इस तरह ही बता रही हूं अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये आपके पास है तीन वैल्यूज आप इसमें से सबसे पहले ये वाली वैल्यू उठा लो नाइन इसे एज इट इज लिखो अब ये जो 126 है ना इसमें आप इस वैल्यू को कर दो प्लस जस्ट फोर को आप यहाँ पे कर दो प्लस नाइन एज इट इज आएगा फोर आप इसमें प्लस कर दो तो ये क्या बन जाएगा वन थर्टी अब वन थर्टी का जो जीरो है आप जस्ट जीरो को यहाँ लिख दो अब बचा हुआ जो वन थ्री है आप उस वन थ्री थर्टीन को एटी वन में प्लस कर दो ठीक है जब ये इसमें प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा थ्री प्लस वन फोर एट प्लस वन नाइन तो ये आ गई आपकी स्क्वायर की वैल्यू अभी लेंथी लग रहा है बट जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये प्रोसेस और ये मेथड मतलब जो भी कह लें ये बहुत आसान लगेगा ठीक है अब अगर मैं थ्री नंबर वाले स्क्वायर की बात करूँ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ले लेती हूँ वन ठीक है मुझे इसका निकालना है स्क्वायर तो अब मैं क्या करूँगी सबसे पहले मैं निकाल लूँगी फाइव का स्क्वायर फाइव फाइव आर ट्वेंटी फ़ाइव और अब मैं टू को अलग से नहीं लूँगी बल्कि इन दोनों नंबर्स को साथ ले लूँगी तो ट्वेल्व का स्क्वायर क्या होता है वन फोर्टी फोर अब इन को आपस में मैं क्या कर दूँगी मल्टीप्लाई यानी कि ट्वेल्व को और फाइव को मल्टीप्लाई करूंगी तो ट्वेल्व फाइव ज़ आर सिक्सटी और इसे मल्टीप्लाई करवाऊँगी मैं टू से तो टू ज़ीरो और टू सिक्सटीज़ आर क्या होगी वन ट्वेंटी ठीक है और 25 फ़ाइव एज इट इज़ एंड 144 फोर्टी फोर एज इट इज़ अब यहाँ से क्या ले लूँगी मैं जस्ट फ़ाइव वन ट्वेंटी में मैं प्लस कर दूंगी क्या इसमें मैं प्लस कर दूंगी टू सिर्फ टू तो ये हो जाएगा वन ट्वेंटी टू जिसमें से मैं टू यहाँ लिख दूंगी और इस ट्वेल्व को मैं प्लस कर दूंगी इसमें ये हो जाएगा सिक्स फाइव वन तो यहाँ पर सिंपल आ जाएगा वन फाइव सिक्स टू फाइव तो ये है वन ट्वेंटी फाइव का स्क्वेयर तो आई होप आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी साथ साथ ये तो मैंने आपको एक मेथड सिखा दिया है कि आपके पास कोई भी नंबर आ जाए तो आप उसका स्क्वायर किस तरीके से निकाल सकते हो लेकिन उसके लिए आपको बेसिक जो सबसे पहले मैंने स्क्वायर की वैल्यूज़ बताई हैं उनके स्क्वायर एटलीस्ट आपको आने चाहिए ठीक है अब इसके अलावा अगर इससे इससे ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ तो आती ही नहीं है पहली बात तो एम सी क्यूज में इतने बड़े बड़े स्क्वायर की वैल्यूज़ नहीं आती और जो दूसरे होते हैं ना स्क्वेयर की वैल्यूज़ निकालने लाइक अगर इसके एंड में फ़ाइव आ रहा है तो मैं इसके स्क्वेयर कैसे निकालूं। इस इधर अगर स्टार्ट में फ़ाइव आ रहा है तो इसके स्क्वेयर कैसे निकालूँ इस तरीके के आ, मतलब आप इन मसलों में ना पड़ जाएँ कि डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स होते हैं हम उन सबको ही अप्लाई कर ले, लें लर्न कर लें उन मैथड की प्रैक्टिस कर लें वो आपको एंड वक्त में याद नहीं रहते टू बी ऑनेस्ट वो आपको एंड वक्त में याद नहीं रहते तो सिंपल अगर आप ये मैथड करना चाहते हैं तो आप ये मैथड को फॉलो कर सकते हैं और या तो आप सिंपल वन ट्वेंटी फाइव है और अगर आपको ये मैथड भी उस वक्त याद नहीं रहता तो सिंपल आप क्या करेंगे वन ट्वेंटी फाइव का वन ट्वेंटी फाइव से मल्टीप्लाई करवा देंगे सो हेयर इज द टिप नंबर थ्री जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट की वैल्यूज़ को कुछ वैल्यूज़ हैं स्क्वायर रूट की जो कि आपको मेमोराइज होनी चाहिए जो कि वन से लेकर ट्वेल्थ तक की हैं एटलीस्ट इतनी वैल्यूज़ तो आपको मेमोराइज होनी चाहिए तो सबसे पहले देख लेते अगर अंडर वुड वन की वैल्यू देखें तो वो तो वन ही होगी अंडर वुड टू की होगी वन पॉइंट फोर वन अंडर वुड थ्री की होगी वन पॉइंट सेवन अंडर वुड फोर की होती है टू अंडर वुड फाइव की होती है टू पॉइंट टू इसकी होती है टू पॉइंट फोर टू पॉइंट सिक्स टू पॉइंट एट अंडर वुड नाइन की थ्री इसकी हो जाएगी थ्री पॉइंट थ्री पॉइंट वन थ्री आई एस अच्छा तो टेन की होती है थ्री पॉइंट वन थ्री और इलेवन की होती है थ्री पॉइंट थ्री वन और थ्री पॉइंट वन सिक्स सॉरी थ्री पॉइंट वन सिक्स थ्री पॉइंट थ्री वन और ट्वेल्व की हो जाएगी थ्री पॉइंट सेवन तो इतनी वैल्यूज़ तो आपको मेमोराइज लाजमी होनी चाहिए तो यहाँ पर मैं अभी आपको बताना चाह रही हूँ स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स यहाँ पर आपको सबसे पहले ये वाली वैल्यूज़ आनी चाहिए इसमें जो यूनिट वैल्यू है ना जैसे कि फोर नाइन सिक्स फाइव सिक्स नाइन फोर वन ज़ीरो तो ये देखें ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ना ये आपको पक्की होनी चाहिए तकरीबन वन फोर फाइव सिक्स नाइन ये वाली तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं यूनिट वैल्यूज़ हैं परफेक्ट स्क्वायर की ये आपके माइंड में होनी चाहिए अब इसको देखते हुए किसी भी स्क्वायर रूट को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अब मैं वो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ तो देखें यहाँ पर मैं कोई एक क्वेश्चन कंसिडर कर लेती हूँ लाइक वन सेवन एटी फोर ठीक है सेवन एटी फोर कंसिडर कर लेती हूँ अब आप यहाँ पर देखें कि मुझे इसको सॉल्व करने के लिए मुझे इस पूरे थ्री नंबर्स की यूनिट वैल्यू को देखना है इसकी यूनिट वैल्यू क्या यहाँ पर किसी की स्क्वायर वैल्यू से मैच हो रही है बिल्कुल हो रही है यहाँ पर टू के स्क्वायर की वैल्यू फोर है और एट की स्क्वायर की वैल्यू सिक्सटी फोर की जो यूनिट वैल्यू है वो भी फ़ोर है तो मैं यहाँ पर अब क्या करूँगी इस फोर को मैं टू में ब्रेक करूँगी मतलब इस फोर का जो स्क्वायर वैल्यू वो किस किस की हो सकती है टू की हो सकती है ये यह यहाँ पर टू भी कंसिडर कर में और एट भी कंसिडर कर लूंगी ठीक है यहाँ पे मैंने टू भी कंसीडर कर लिया और एट भी कंसीडर कर लिया यानी कि ये जो फोर है ना मैंने इसको देखा कि ये स्क्वायर वैल्यूज की किसकी कौन से वाली यूनिट वैल्यू में आ रहा है तो देखो ये टू के स्क्वायर में आ रहा है और एट के स्क्वायर की यूनिट वैल्यू में आ रहा है ठीक है तो इसलिए मैंने इस फोर के लिए टू और एट दोनों लिख दिया अब इसमें ये रूल होता है कि जब भी थ्री नंबर वाला स्क्वायर रूट आ जाता है ना तो उसमें हम लास्ट वैल्यू यूनिट वैल्यू को देखते हैं और फर्स्ट वैल्यू को देखते हैं और बीच वाली को निगलेक्ट कर देते हैं अब देखें ये वाले इस फोर को तो मैंने देख लिया कि ये टू में और एट में आ सकता है अब सेवन को मैंने देखना है कि सेवन किस में आ सकता है सेवन अगर मैं में देखू तो टू टूर फोर होता है और three, आता है है ठीक तो फोर जो कि है वो सेवन से छोटा है और थ्री अगर स्क्वायर में देखें तो वो है सेवन से बड़ा है तो हमें छोटा वाला कंसिडर करना चाहिए तो इसलिए मैं इस सेवन के लिए मैं यहाँ पर भी टू ले लेती हूँ और यहाँ पर भी टू ले लेती हूँ यानी कि अभी मेरे पास दो नंबर बन गए ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी एट सेवन के लिए मैंने ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी एट लिया अब मुझे इन दोनों में से कौन सा परफेक्ट नंबर कंसीडर करना है उसके लिए ये वाला जो नंबर था उसके लिए मैंने क्या लिया था टू क्योंकि टू के स्क्वायर का आंसर फोर होता है तो अब जो मैंने नंबर टू लिया था ना उसको मैं इसके हायर नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी इस टू को मैं इसका हायर नंबर कौन सा होता है थ्री होता है टू के बाद कौन सा नंबर आता है थ्री आता है तो मैं इस टू को थ्री से मल्टीप्लाई करूंगी तब मेरे पास आंसर आएगा सिक्स अब ये आंसर मुझे बताएगा कि मैं इसको पिक करूं या इस नंबर को पिक करूं तो देखें ये वाला जो नंबर है आप ये देखें ये वाला नंबर क्या इस आंसर से बड़ा है या छोटा है तो जो सेवन है वो सिक्स से बड़ा है इसीलिए मैं ट्वेंटी को अपना आंसर कंसिडर करूँगी यहाँ पर मेरा आंसर आ जाएगा ट्वेंटी एट अब यहाँ पर मैं एक और एग्जाम्पल सॉल्व करवा देती हूँ ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए और समझ भी आ जाए लेकिन अब मैंने यहाँ पर एक नंबर लिया है जो कि फ़ोर डिजिट्स वाला है ठीक है अब इसमें क्या करना है थ्री डिजिट्स वाले में क्या करना होता है कि ये यूनिट वैल्यू देखनी होती है और फर्स्ट वैल्यू देखनी होती है इनके स्क्वेयर की वैल्यूज़ देखनी होती है और बीच वाले को हम निग्लेक्ट कर देते हैं ठीक है अब यहाँ पर क्या करते हैं यहाँ पर हम यहाँ इसकी यूनिट वैल्यू देखते हैं और यहाँ पर फर्स्ट में टू वैल्यूज़ को एक साथ कंसीडर करते हैं ठीक है यहाँ पर हम यहाँ लास्ट में यूनिट वैल्यू यहाँ पर टू वैल्यूज़ को साथ में कंसीडर करते हैं अब देखिए नाइन का ऐसा कौन सा स्क्वायर का नंबर है स्क्वायर की वैल्यू है जिसके एंड में नाइन आता हो तो देखें थ्री के स्क्वायर की वैल्यू में आता है नाइन और सेवन के स्क्वायर की वैल्यू में आता है फोर्टी नाइन यानी कि इसकी इसकी यूनिट वैल्यू में नाइन आ रहा है और यहाँ पे भी नाइन आ रहा है तो मैं इस नाइन के लिए क्या कंसीडर कंसीडर कर सकती हूँ थ्री भी कर सकती हूँ और सेवन भी कर सकती हूँ ठीक है अब यहाँ इस टू को कर देना है निगलेक्ट और इस फिफ्टी थ्री का देखना है कि ये किसकी स्क्वायर वैल्यू में आता है तो देखें फिफ्टी तो यहाँ पर मुझे किसी के भी नज़र नहीं आ रहा फिफ्टी थ्री से छोटा मुझे नजर आ रहा है वो क्या है फोर्टी नाइन तो फोर्टी नाइन किसके स्क्वायर की वैल्यू है सेवन के तो मैं यहां पर सेवन लिख दूंगी ठीक है दोनों के साथ क्या लिख दूंगी सेवन लिख दूंगी अब मुझे ये देखना है कि ये जो सेव इस इन दोनों में से मुझे कौन सी वैल्यू लेनी है उसके लिए मैं इस सेवन को जो मैंने लिया था उसको मैं इसकी हायर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूँगी यानी कि सेवन को मैं एट्स से मल्टीप्लाई करूँगी तो सेवन एट्सा क्या होता है फिफ्टी सिक्स होता है और अब ये मैं देखूँगी कि ये वाला नंबर फिफ्टी थ्री और ये वाला नंबर फिफ्टी सिक्स इन क्या फ़र्क है देखिए फिफ्टी थ्री क्या इस फिफ्टी सिक्स से बड़ा है या छोटा है ऑफकोर्स छोटा है फ़िफ्टी थ्री फिफ्टी सिक्स से छोटा है तो अब मैं इन दोनों में कंसिडर कर लूँगा सेवेंटी थ्री और सेवेंटी थ्री वुड बी आवर आंसर ठीक है अब ये मैंने एक और क्वेश्चन आपके साथ शेयर करना है देखें यहाँ पर मैंने फाइव डिजिट वाला रूट ले लिया है साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करते जाएं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको समझ भी आता जाए अब इन ये वाला क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपको थोड़ा इजी लगेगा देखें अब इसमें क्या करना है इसमें भी इसकी ये ट्रिक है कि यहाँ पर यूनिट वैल्यू देख लेनी है और यहाँ थ्री वैल्यूज़ को एक साथ ले लेना है और ये वाली वैल्यू को हमेशा निगलेक्ट करें जो भी टेंथ वैल्यू होगी ना उसे आप हमेशा निग्लेक्ट कर दें देखें फ़ोर वैल्यूज़ जब हमने ली थी तो फोर वैल्यूज़ में मैं इसको ले रही थी और

अब देखें ये जो फ़ाइव है ये कहाँ पर आता है ये जस्ट फाइव के स्क्वायर में आता है फाइव के स्क्वायर की यूनिट वैल्यू में ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव की यूनिट वैल्यू फाइव है तो आप इस फाइव के लिए जस्ट फाइव कंसीडर कर सकते हैं इस तरह लिख देती हूँ इसके लिए आप जस्ट फाइव कंसीडर कर, कर सकते हैं अब वन फिफ्टी सिक्स वन फिफ्टी सिक्स किसके स्क्वायर की वैल्यू में आता है तो मेरे जहन में आ रहा है ट्वेल्व ट्वेल्व का स्क्वायर क्या होता है वन फोर और अगर थर्टीन का स्क्वायर देखूं तो वो होता है वन सिक्सटी नाइन तो देखो वन सिक्सटी नाइन जो होता है ना वो वन फिफ्टी सिक्स से क्या होता है बड़ा होता है और वन फोर्टी फोर जो होता है वन फिफ्टी सिक्स से छोटा होता है तो मैं एक छोटी वैल्यू ले लेती हूँ वन टू वन ट्वेंटी फ़ाइव ले लेती हूँ ठीक है अब वन ट्वेंटी फ़ाइव तो मैंने ले लिया यहीं से मुझे पता चल गया कि ये इसका आंसर है वन ट्वेंटी फ़ाइव इसका रूट है ठीक है अब मुझे इसमें क्योंकि देखें अब मेरे पास दो चॉइस नहीं आई ना अब एक और नंबर होता तो मैं क्या करती इस ट्वेल्व को मल्टीप्लाई करवाती थर्टीन से फिर जो आंसर आता फिर उसके देख कर मैं इसको चूज़ करती तो मतलब अब ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है देखें अब ये ईजी हो गया वन ट्वेंटी फ़ाइव ईजीली हमारा आंसर आ गया और अगर आपको और प्रॉब्लम हो तो आप मज़ीद इसी जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें इन शाला आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझे कॉमेंट में पूछ सकते हैं अच्छा अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्क्वायर रूट ऑफ इंपरफेक्ट स्क्वायर्स या आप ये भी कह सकते हैं कि आप, आपके पास किसी भी टाइप का स्क्वायर आ जाए किसी भी टाइप की वैल्यू आ जाए आप उसका किस तरह स्क्वायर निकाल सकते हैं तो देखें वन सिक्सटी फ़ाइव मेरे पास एक नंबर है अब मैं इसको उस तरीके से नहीं कर रही देखिए बहुत क्लोज़ नंबर है और इतना तो मुझे भी पता है देखें अगर मैं क्या नाम है ट्वेल्थ की बात करूँ तो ट्वेल्व का स्क्वायर होता है वन फोर्टी फोर थर्टीन का स्क्वायर होता है वन सिक्सटी नाइन अब ये तो मुझे भी पता था कि थर्टीन का स्क्वायर वन सिक्सटी नाइन होता है और वन सिक्सटी फाइव तो कोई स्क्वायर वैल्यू ही नहीं है ठीक है तो अब मैं क्या करूँगी मैं इसे अब मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करूँगी किस तरीके से देखें वन सिक्सटी फाइव क्लोज़ किसके हैं वन सिक्सटी नाइन के अब मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं इसे बना दूँ वन सिक्सटी नाइन तो मैं इसको किस तरीके से वन सिक्सटी नाइन बना सकती हूँ मैं इसे वन सिक्सटी नाइन इस तरीके से बना सकती हूँ जब मैं वन सिक्सटी नाइन में से क्या कर दूंगी माइनस कर दूंगी फ़ोर को जब मैं वन सिक्सटी नाइन में से माइनस कर दूंगी फोर को तो वो वापस अंडर रूट वन सिक्सटी फाइव बन सकते हैं यानी कि मैंने इसे यहाँ पर क्या कर दिया है ब्रेक कर दिया है और ये इसी के बराबर हो सकता है अब मैं सेपरेटली uh, क्या करूँगी मैं इस अंडर रूट वन सिक्सटी नाइन को मैं कंसिडर कर लूँगी कि वो किसके स्क्वायर के बराबर है थर्टीन के स्क्वायर के बराबर है और माइनस फोर एज़ इट इज़ रहा ठीक है और अब ये जो मेरे पास आंसर आया है ना थर्टीन उसे मैं यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में लिख दूँगी और मल्टीप्लाई करवा दूँगी टू से ठीक है अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ ये वाला जो मेरे पास रूट था अंडर रूट वन सिक्सटी फाइव ही मेरे पास इम्परफेक्ट स्क्वायर था क्योंकि मुझे स्क्वायर की वैल्यूज कुछ याद थी उसे मैंने देखते साथ जज कर लिया कि ये इम परफेक्ट स्क्वायर है इसके क्लोज़ कौन सा स्क्वायर आता है 169 जो कि 13 का स्क्वायर है ठीक है तो मैंने इसको तकरीबन इस तरीके से ब्रेक कर दिया कि मैंने इसे अंडर रूट वन सिक्सटी माइनस फ़ोर कर दिया इस माइनस फ़ोर का मतलब है जब मैं इसमें से माइनस फ़ोर कर दूंगी तो वो अब इससे अंडर रूट वन बन जाएगा ठीक है अब मैंने क्या किया कि इसका जो अंडर रूट वन सिक्सटी नाइन का जो आंसर था वो था थर्टीन और माइनस फोर एज इट इज़ रहा और यहाँ पर फोर के नीचे ये जो नंबर था ना उसे मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया टू से यहाँ पर आपके पास जो भी नंबर आएगा उसे आप मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे टू से ठीक है अब इसको जब मैं टू से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो क्या आंसर आएगा टू थ्री ज़ार सिक्स टू वन ज़र टू ठीक है तो अब मैं इसे डिवाइड करवा देती हूँ ट्वेंटी सिक्स बाहर फोर अंदर पॉइंट लगाऊंगी जीरो बढ़ाऊंगी वन टाइम्स आ जाएगा ट्वेंटी सिक्स ठीक है साथ साथ आप भी सॉल्व कर लें अगर आपको समझ आ रहा है तो यहाँ थ्री और यहाँ वन और ये हो जाएगा फोर और वन फोर ठीक है अब मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगी एक जीरो बढ़ा दूंगी अब ट्वेंटी सिक्स को मैंने देखना है कि ट्वेंटी सिक्स किस आ, किस टाइम्स तक मल्टीप्लाई करूँ कि वो इसके क्लोज़ या यही आंसर आ जाए एग्जैक्ट तो तकरीबन अगर मैं इसको फाइव टाइम्स करती हूँ तो क्या आता है फाइव सिक्स ज़ारोट थर्टी फाइव टू ज़ार टेन और वन थ्री तो मैं इसे यहाँ पर कंसिडर कर लेती हूँ फ़ाइव तो बस मेरे पास इतनी सी वैल्यू आ गई इतनी वैल्यूज आ गई हैं टू uh, वैल्यूज़ आ गई हैं तो मैं अब इसी को लिख दूंगी थर्टीन एज इट इज़ आया माइनस आया अब इस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू क्या मैंने ले ली जीरो पॉइंट वन फाइव अब मैं थर्टीन में से ज़ीरो पॉइंट वन फ़ाइव को माइनस करूंगी थर्टीन और यहाँ पॉइंट लगा देती हूँ यहाँ पॉइंट लगा देती हूँ कि मिस्टेक कभी भी मत करना ठीक है वरना पॉइंट के नीचे पॉइंट हमेशा लगाना और वन फाइव इधर आ जाएगा और जीरो यहाँ आ जाएगा अब यहाँ जीरो लगा देंगे तो बेसिक कैलकुलेशन है तो आपको आनी चाहिए ठीक है अब मुझे इसको कैंसिल माइनस करना है तो ये टू कर दूंगी टेन और ये टेन अब यहाँ आ जाएगा फाइव यहाँ आ जाएगा एट पॉइंट टू एंड वन ठीक है तो मेरा आंसर इस रूट का आया है क्या आया है ट्वेल्व पॉइंट एट फाइव अब इसे कैलकुलेटर से देखते हैं कि कैलकुलेटर में क्या आ रहा है तो कैलकुलेटर में अगर मैं कैलकुलेटर में दिखा सकूं तो कैलकुलेटर में अंडर रूट क्या था वन सिक्सटी फ़ाइव अंडर रूट 165 का आंसर कैलकुलेटर में आ रहा है 12.845 और मेरा भी करीब करीब आया 12.85 ठीक है 12 तो अब एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं अब मैं एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ अंडर रूट सिक्सटी फाइव अब ये भी मेरे पास एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है इसे मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी इसके क्लोज़ क्लोज़ कौन सा नंबर आता है देखिए सिक्सटी फ़ोर आता है ठीक है तो सिक्सटी फ़ो के बराबर मैं इसको कर दूँगी सिक्सटी फोर और अगर मैं सिक्सटी फोर में क्या प्लस करूँ वन प्लस करूँ तो वो अगेन अंडर रूट सिक्सटी फाइव बन जाएगा ठीक है पहले मैंने थ्री नंबर वाला करके बताया अब मैं टू नंबर्स का करके बता रही हूँ ये भी वैसा ही होगा तो अंडर रूट सिक्सटी फोर का आंसर क्या था अंडर रूट सिक्सटी फोर का आंसर है एट प्लस वन एज इट इज अब ये वाला जो एट है इसे मैं यहाँ इसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करवा दूंगी टू से तो एट टू ज़ार क्या होता है सिक्सटीन एट टू जार सिक्सटीन अब मैं इसे डिवाइड करवा दूंगी ठीक है जीरो अब एक और जीरो ले लूंगी तो यहाँ एक और जीरो बढ़ जाएगा तो सिक्सटीन को मैं कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कि हंड्रेड आ जाए um, सिक्सटीन को अगर मैं सिक्स टाइम्स करती हूँ तो सिक्स सिक्स हज़ार थर्टी सिक्स सिक्स वन हज़ार सिक्स नाइन्टी सिक्स हाँ सिक्सटीन सिक्स आर नाइन्टी सिक्स आ रहा है सिक्सटीन सिक्स आर नाइन्टी सिक्स तो मेरे पास इतने नंबर भी आ गए डेट इनफ ठीक है अब एट प्लस जीरो पॉइंट ज़ीरो सिक्स आपके पास आंसर आ रहा है अब इसे प्लस कर दें तो क्या हो जाएगा एट पॉइंट जीरो सिक्स वुड बी योर आंसर आई होप आपको ये सब आ गए होंगे एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देती दे हूँ आप ख़ुद सॉल्व करें और कमेंट में मुझे इसका आंसर बताएं आपके पास क्वेश्चन है अंडर रूट वन नाइन्टी ठीक है इसे सॉल्व करें और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएं अब कंसीडर कर लें कि आपके पास फोर नंबर वाला रूट है सेवन सिक्स सेवन वन ठीक है अब आप फोर्थ नंबर वाला जब आपके पास आ जाएगा वैसे आएगा नहीं इतना बता दूं इतने बड़े बड़े रूट्स नहीं आते लेकिन प्रैक्टिस कर लें आप फिर भी क्या जाता है तो इसे क्या किया करें इसे आप साइंटिफिक नोटेशन में ब्रेक कर दिया करें देखिए जब भी कोई बड़ी वैल्यू होती है ना उसे साइंटिफिक नोटेशन में ब्रेक करके सॉल्व करना ना ईज़ी होता है तो इसे साइंटिफिक नोटेशन में ब्रेक कर दें किस तरीके से ये इस तरीके से ब्रेक हो सकती है सेवन uh, अगर साइंटिफिक uh, न्योटेशन में भी ऐसे ब्रेक करें कि उसकी पावर एवन बननी चाहिए यानी कि यहाँ पर है ना पॉइंट अगर मैं इसको टू टाइम्स यहाँ मूव करूँ तो क्या होगा सेवेंटी सिक्स पॉइंट सेवन वन और एक्सपोनेंट टू आंसर आ जाएगा ठीक है पूरा रूट के अंदर ही है जैसे मैं यहाँ पर पॉइंट होता है लास्ट में तो इसे मैंने टू टाइम्स मूव करके यहाँ ले आई तो एक्सपोनेंट टू आ गया पॉजिटिव टू आ गया ठीक है तो ये मैंने इसे एक्सपोनेंट में ब्रेक कर दिया अब इसका करने का फ़ायदा ये हुआ है कि अब मैं जस्ट इस नंबर को कंसीडर करके अपना रूट निकालूंगी और वो कैसे देखें सबसे पहले तो मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ ये टेन की पावर टू है मतलब टेन टू टाइम्स है तो रूट के अंदर जब कोई चीज़ टू टाइम्स होती है तो उसे एक बार हम बाहर करके लिख देते हैं तो ये अब एक बार टेन बाहर आ जाएगा ये इसके अगला इस स्टेप मैं यहाँ कर रही हूँ ये टेन बाहर आ जाएगा और टेन मल्टीप्लाई हो रहा है किससे अंडर रूट सेवेंटी सिक्स पॉइंट सेवन वन से सही है अब आपने क्या करना है आपने जस्ट इसे कंसीडर करना है और सॉल्व करना है टेन वैसे ही रहेगा अंडर रूट सेवेंटी सिक्स आपने कंसीडर करना है सही है और अंडर रूट सेवेंटी सिक्स आपने क्या कंसीडर करना है देखें अब अंडर रूट सेवेंटी सिक्स यहाँ पर किसी के करीब करीब है या बिल्कुल वैसा है तो ऐसा तो कोई भी नहीं लेकिन ये क्लोज़ किसके है ये सिक्सटी फ़ोर के क्लोज एटी वन तो बड़ा हो जाएगा तो सिक्सटी फ़ोर के क्लोज है और ये किसका स्क्वायर है एट का स्क्वायर है ठीक है तो मैं इसको तकरीबन बराबर कर देती हूँ किसके सिक्सटी फोर के अब सेवनटी सिक्स और सिक्सटी फोर में कितने का डिफरेंस है ट्वेल्व का डिफरेंस है तो मैंने यहाँ पर ट्वेल्व का लिख दिया यानी कि जब मैं अंडर सिक्सटी फोर में प्लस करूँगी ट्वेल्व तो आंसर बन जाएगा सेवेंटी सिक्स और जस्ट ये नहीं ये भी तो है ना तो इसके आगे मैं लिख दूँगी ट्वेल्व पॉइंट सेवन वन ये वाली जो रिमेनिंग वैल्यू थी ना ये यहाँ आ जाएगी ठीक है ट्वेल्व पॉइंट सेवन वन बन जाएगा ये इतना क्लियर हो गया सेवन को मैंने इसके अंडर रूट 64 के करीब कर दिया और ये इन दोनों में 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 और 64 में क्या ट्वेल्व था? था तो ट्वेल्व बाकी जो रिमेनिंग वैल्यू थी पॉइंट के बाद वाली वो मैंने पॉइंट सेवन वन ट के साथ लिख दिया अब आप इजीली ये टेन तो ऐसे ही रहेगा इजीली आप सिक्सटी फोर का रूट निकाल सकते हैं जो कि किसके बराबर होता है एट के बराबर होता है प्लस आप ट्वेल्व पॉइंट सेवन वन तो लिखेंगे लेकिन वही वाला रूल लगाएंगे कि जो आ आंसर आया था एट उस एट को यहां मल्टीप्लाई करवा देंगे टू से ठीक है फिर टेन वैसे ही रहेगा एट वैसे ही रहेगा ट्वेल्व पॉइंट सेवन वन भी वैसे ही रहेगा और एट टू जर क्या हो जाएगा सिक्सटीन अब आपने क्या करना होगा सिक्सटीन को डिवाइड करवा देना होगा ट्वेल्व पॉइंट सेवन वन से ठीक है तो आप जब इसको डिवाइड करवाएंगे तो कैसे देखें मैं यहाँ पे टू नंबर्स तो साथ ही ले सकती क्योंकि सिक्सटीन इससे फिर बड़ा हो जाएगा तो मैं पॉइंट लगा देती हूँ क्योंकि मैं तीन नंबर को एक साथ ले रही हूँ और इन तीनों के दरिया में क्या आ रहा है पॉइंट तो मैं पॉइंट पहले लगा देती हूँ अब जो भी आंसर आएगा वो मैं पॉइंट के बाद लिखूँगी ये बेसिक्स तो आपको आती ही होंगी आई होप अब वन ट्वेंटी सेवन सिक्सटीन के टेबल में आता है या उससे कोई छोटा तो देख लेते हैं सिक्सटीन को अगर मैं सिक्स टाइम्स करती हूँ तो नाइन्टी सिक्स आता है ठीक है सिक्सटीन सिक्स आर नाइन्टी सिक्स सिक्सटीन सेवन आर करके देखते हैं सेवन सिक्स आर फोर्टी टू सेवन वन जो सेवन एट नाइन टेन एलेवन तो यहाँ पर वन वन टू आ रहा है ठीक है और अगर सिक्सटीन को मैं एट टाइम्स करती हूँ तो क्या आता है सेवन एट फाइव जो फोर्टी एट सिक्स ज़र फोर्टी एट एट वन ज अच्छा यहाँ पे भी टू आ जाएगा तो वन ट्वेंटी एट वन ट्वेंटी सेवन से क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा तो मैं ऊपर वाला ले लूँगी ठीक है मैं ये ले लेती हूँ वन वन टू और कितनी टाइम्स आ रहा है ये ये आ रहा है सेवन टाइम्स कितनी टाइम्स आ रहा है सेवन टाइम्स मैंने यहाँ सेवन लिख दिया सही है यहाँ मैंने लिख दिया सेवन अब मैं इसको कर देती हूँ माइनस माइनस करूँगी फ़ाइव आएगा यहाँ वन आएगा और अब सिक्सटीन फिफ्टीन से बड़ा है और अब मैं ऊपर से एक और नंबर ले लूँगी वन फिफ्टी वन हो जाएगा अब मैं सिक्सटीन को किस से करूँ मैं सिक्सटी सिक्स सिक्सटीन टेन्सार क्या होगा वन सिक्सटी उससे थोड़ा सा छोटा ही होगा तो नाइन ले, ले लेते हैं नाइन टाइम्स क्या आएगा अच्छा चलिए आप कंसिडर करो कर लिया ना नाइन ही आएगा अब नाइन ही आंसर हो सकता है करके भी देख लेते हैं नाइन सिक्स आर फिफ़्टी फोर फ़ाइव इधर आ जाएगा और यहाँ पे फोटीन आ जाएगा तो वन फोर्टी फ़ोर अभी इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आपको जस्ट टू नंबर्स मिल गए ना डेट डेट्स इनअ ठीक है अच्छा अभी आंसर आ गया अब मैं क्या करूँगी कि मैं टेन ऐसे ही रखूंगी प्लस एट आया प्लस और यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है ज़ीरो पॉइंट सेवन नाइन ठीक है जीरो पॉइंट सेवन नाइन अब मैं इन्हें आपस में प्लस करवा देती हूँ इधर कर देती हूँ आगे तो टेन वैसे ही रहेगा प्लस ये बन जाएगा एट पॉइंट सेवन नाइन और जब मैं एट पॉइंट सेवन नाइन को टेन से मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो ये हो जाएगा एटी सेवन पॉइंट नाइन ठीक है ये हो जाएगा एटी सेवन पॉइंट नाइन तो अब मैं इसे कैलकुलेटर में भी करके बता देती हूँ देखें कैलकुलेटर में क्या था अंडर रूट सेवन सिक्स सेवन वन ठीक है नज़र आ रहा है अंडर उड सेवन सिक्स सेवन वन इसका आंसर आ रहा है एटी सेवन पॉइंट फाइव एट फोर एटी सेवन पॉइंट फाइव एट एटी सेवन पॉइंट फाइव एट तो देखो फ़ाइव एट जो है ना हमारा आंसर क्या है एटी सेवन पॉइंट फाइव एट एट को अगर मैं राउंड ऑफ कर दूंगी तो वो ये नाइन ही बन जाएगा ना मतलब तो सिक्स बन जाएगा सॉरी लेकिन राउंड ऑफ हो जाएगा तो पॉइंट का इतना फ़र्क नहीं पड़ता आपका ये आंसर तो आ रहा है ना तो देखें कितना करीब तरीन आंसर आ रहा है तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं